न्यू चैप्टर डिस्काउंट, जिसको आप कहते हो बट्टा, डिस्काउंट जिसको आप कहते हो बट्टा, या इसको आप कह दो छूट, कुछ भी कह देते हैं इसको आप। तो देखो डिस्काउंट क्या होती है, बट्टा क्या होता है आपका। देखो जैसे मैं बट्टे की बात करता हूँ, देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ मेरी कमीज बनाने की फैक्ट्री है, कमीज बनाने की क्या है फैक्ट्री है, जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट आई है आप कह दो जो सीपी है, सही सुनते रहना, जो आपका सीपी है एक कमीज का, जो आपका सीपी है एक कमीज का वो कितना है 500 रुपये। भाई मेरी जो लागत आई, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ एक शर्ट बनाने में, वो आपका हुआ 500 रुपये। कितने का भैया 500 रुपये का। अब आपने क्या काम कर, जो 500 रुपये की आपकी शर्ट बनी आपने इस पर टैग लगा दिया 800 रुपये का। क्या लगा दिया भैया 800 रुपये का, आपने इसके ऊपर टैग लगा दिया कि भाई जिसकी कॉस्ट है वो कितनी है 800 रुपये। आपने देखा होगा टैग लगा देते हैं शर्ट पे, आपकी कॉस्ट कुछ भी आई हो आपने क्या लगा दिया टैग लगा दिया कितने का कि भाई जो ये है इस पे जो मार्केट प्राइस वो कितना है 800 रुपये। अब देखो इसने एमपी लिखा, इस एमपी को आप क्या बोलते हो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। आगे बात समझ में, आप हिंदी में इसको बोलते हो छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य, या आप इसको बोल देते हो सूची, सूची मूल्य, या इसको आप बोल देते हो अंकित मूल्य, या इसको आप बोल देते हो अंकित मूल्य। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, जो 500 का माल था आपने कितना लिख दिया 800, तो जो 500 रुपये इसकी क्या टोटल कॉस्ट है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, इसने टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी करी, जो 500 था उस पर कितना लिख दिया 800 लिख दिया। तो भाई जो 800 लिखा ये क्या आपका मार्केट प्राइस, छपा मूल्य है सूची मूल्य है, क्या आपका अंकित मूल्य। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, जो कॉस्ट इसकी 500 रुपये थी, जो कॉस्ट इसकी 500 रुपये, इसने कितना लिखा इस पर 800, तो कितना बढ़ा के लिखा 300 रुपये इसने ये बढ़ाकर लिख दिया। आपने देखा होगा कि भाई कॉस्ट इतने लिख इतना दिया, तो जो अधिक अंकित करता है इस पर इसको आप बोलते हो मार्कअप। क्या बोलते हो भैया मार्कअप, यानी इसने 300 रुपये मार्कअप कर दिया। मार्कअप क्या होता है कि भैया कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर इसने लिखा उस पे, वो क्या होता है आपका मार्कअप। आप इसको लिख सकते हो मार्कअप क्या होता है आपका, अगर मैं मार्केट प्राइस में से इसका सीपी माइनस कर दूं ये आपका क्या होता है मार्कअप होता है। आपने देखा होगा ना कि भैया किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, जो अधिक अंकित कर रहा है वो जो 30% आपका क्या होता है आपका मार्कअप होता है, यानी उसने सीपी से कितना उस पर अधिक लिखा वो आपका क्या होता है मार्कअप होता है। बट देखो अगर मैं आपसे पूछो परसेंटेज में क्या होता है, भाई देखो आप कहते हो 300 रुपये बढ़ा के लिखा, वो आपसे रुपये में नहीं पूछेगा, ये तो रुपये में आएगा आपका, किस में आएगा ये रुपये में आएगा। बट अगर मैं आपसे पूछो कि उसने कितने परसेंट बढ़ा के लिखा, कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा, यानी जो मार्कअप परसेंटेज होगी, जो आपकी मार्कअप परसेंटेज होगी वो कैसे निकलेगी। देखो एक बताओ इसने कितना बढ़ाया 300 बढ़ाया, किस पे बढ़ाया 500 पे, तो 300 500 का कितने परसेंट है, 20 20, 5 से कितनी बार जाएगा ये 60% आपका आ गया। भैया 500 से इसने कितना लिख दिया 800, अगर मैं पूछूं परसेंटेज में कितना बढ़ा तो आप क्या बोलोगे 60% बढ़ाकर इसने ये लिख दिया। आप 60% कह दो या आप कह दो 300 रुपये बढ़ा के लिखा, कोई अंतर नहीं दोनों चीज़ में, ये रुपीज में ही किस में आपका परसेंट में। अगर मैं आपसे परसेंटेज की बात करूं कि मार्कअप परसेंटेज क्या होगा, मार्कअप परसेंटेज क्या होगा, तो आप मुझे कह दो मार्कअप परसेंटेज क्या है कि इसने सीपी से कितना बढ़ा के लिखा एमपीपी, तो आपका मार्कअप होता है, तो ऊपर क्या जाएगा एमपी माइनस सीपी, बटे में क्या आएगा सीपी, यानी किससे बढ़ा के लिखा और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 100। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मार्कअप परसेंटेज। देखो मार्कअप परसेंटेज क्या है, दोनों का अंतर बटे में क्या सीपी गुणा में क्या 100। तो भैया ये तो आप होता आपका रुपीज में, किसमें होता आपका परसेंटेज में, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर किसको दिक्कत है यहाँ तक, तो समझ में आ गया सीपी एमपी का रिलेशन क्या होता है, मार्कअप का क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, किसको दिक्कत नहीं आता। अब क्या हुआ आगे भाई, जो माल 800 रुपये का था, जिसका एमपी आपका 800 रुपये था, जो उस पर लिखा हुआ था, मान लो ये लड़की इस शर्ट को खरीदने गई, अब क्या हुआ जब इस शर्ट ये लड़की शर्ट को खरीदने गई, इसने कहा भैया 800 रुपये तो मेरे पास है नहीं, आप सस्ते दे दो, तो इसको ये मिल गई 640 रुपये की। कितने की मिल गई भाई 640। अगर ये 640 रुपये की शर्ट खरीद के ले गई, इसके लिए क्या है एसपी है, जिसको आप कहते हो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिस शर्ट के ऊपर 800 रुपये लिखा था, ये इसको कितने की ले आई 640 की, तो कितने कम मिलाई है इसको 160 रुपये कम मिलाई है, तो इसके लिए क्या है, ये इसके लिए है डिस्काउंट, जिसको आप कहते हो छूट।
अगर मैं कहूँ रुपए में कितनी मिली है तो क्या कहेगा कि भाई 160 रुपए कम में दे दी। बट भैया ऐसे नहीं बोलते, वो क्या पूछेगा परसेंटेज कितना कम करा, तो एक बात तो बताओ कितना कम करा, 160 रुपए कम में दे दी, किस पे करा होगा 800 पे, 160 800 का कितने परसेंट है, तो 2 0 2 0 8 दूनी 16, तो भैया रुपीज में तो आपका 160 है, बट अगर मैं पूछूं परसेंटेज में कितना तो आप क्या बोलोगे भैया 20% की छूट दे दी। किसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर किसको दिक्कत हो यहां तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं परसेंटेज कैसे निकालोगे, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, डिस्काउंट परसेंटेज, आप मुझे एक बात बताओ डिस्काउंट क्या होता है, अगर जो उस पर लिखा हुआ है अगर आप कम में बेचते हो तो आपका डिस्काउंट है, यानी डिस्काउंट कैसे निकलेगा, एम पी माइनस एस पी बटे में क्या एम पी गुण में क्या, सो जो आपका डिस्काउंट होता है वो आपको हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है। जैसे मैं आपसे कह दूं भाई एक फ्रिज था आपका, उस पर लिखा था 20,000 रुपये, कितना लिखा था 20,000 रुपये, जो उस पर लिखा है वो उसका क्या है मार्केट प्राइस होगा। अब आपने क्या काम करा, आपने 10% की छूट दे दी, जो आप 20,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा 2,000, तो आपने 2,000 की छूट दी, किस पे जो लिखा हुआ है आप उस पर दोगे छूट हमेशा, तो कितने का बेच दिया 18,000 का आपने बेच दिया, तो जो 18,000 ये है ये क्या आपका सेलिंग प्राइस, अगर मैं इसमें से लाभ माइनस कर दूं तो आप कहां पहुंच जाओगे कॉस्ट प्राइस पहुंच जाओगे, उस पर बात करेंगे हम। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो वस्तु आपकी 500 रुपए की थी, जिसकी लागत 500 रुपए थी, वो कितने की बिकी फाइनल जाके आपने 640 रुपए की, तो ये आपका लाभ ही तो है, 500 का माल कितने का बेच दिया 640, तो लाभ कितने का हुआ 140 का हो, इसको हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है सिप पे, तो 140 का लाभ हुआ किस पे 500 पे, 140 500 का कितने परसेंट है 2 0 2 0 5 से कितनी बार जाएगा ये 28% का इसको हो जाएगा प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका हो जाएगा 28%, क्योंकि जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा हमेशा किस पे होता है सी पे होता है, तो ये 500 का माल अगर 640 का बिका तो प्रॉफिट ही होगा, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 28% का। अब आप इधर देखो, ये तो हो गया आपका जो कॉन्सेप्ट है, अब आप मुझे एक बताओ भैया पहले 60% इसने बढ़ाया, सुनते रहना 60% बढ़ाया 20% घटाया, जब तो आपका प्रॉफिट हुआ तो आप यहाँ तो सक्सेसिव लगा दो, 500 पे 60 बढ़ाया जो आया उस पर 20 घटाया, तो ये सक्सेसिव ही तो आपका, तो एक बात तो सक्सेसिव के लिए तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, क्या भैया पहले क्या हुआ, भैया आपने M से इंक्रीज कर दिया, आपने क्या करा आपने D से डिक्रीज कर दिया, पहले इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस एम डी बटे में क्या सो, तो 60% से तो आपने इंक्रीज करा, ये क्या जाएगा आपका 60 आ गया, 20 से डिक्रीज करा माइनस का 20 आ गया, माइनस 60 गुणा 20 बटे 100, तो देखो 0 0 0 0 ये 60 है, ये माइनस का 20 6 दूनी 12, ये माइनस का 12, तो माइनस के 20 माइनस के 12 माइनस के 32 हो गए, जब आप 60 में से 32 माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 28% का आपको प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखना कि भैया एम पी माइनस डी माइनस एम डी बराबर क्या, ये आपका कुछ और नहीं होता, क्या होता है परसेंटेज प्रॉफिट होता है। आगे बात समझे भाई, आपने कितना बढ़ाया कितना घटाया जो आपका ओवरऑल होता है आपका क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आगे बात समझ में, इसको आप इससे भी कर सकते हो, इसको आप रेशियो भी कर सकते हो। आप मुझे एक बात, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सी पी और एस पी का एम पी का अनुपात क्या है, सी पी और एम पी का अनुपात आपने 60% बढ़ाया, 60 का मतलब कितना होता है 3/5, जो माल 5 का था आपने उस पर लिख दिया 8 रुपए, सही है भाई। अब उसके बाद क्या होगा एम पी और एस पी का अनुपात क्या आएगा, एम पी और एस पी का अनुपात भाई आपने 20% की छूट दी है, 20 का मतलब कितना होता है 1/5, जो माल 5 का था आपने कितने का दे दिया 4 रुपए का दे दिया। तो एक बात तो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सी पी और एस पी क्या आएगा पहला और आखिरी, तो आपस में कट ही जाता है, क्या निकल के आता है सी पी अनुपात एस पी बराबर क्या हो जाएगा 5 5 25 8 4 32। तो एक बात बताओ, जो 25 का माल था, जो आपका 25 का माल था आपने कितने का बेका भाई 32 रुपए का बेका, तो लाभ कितने का है 7, किस पे 25 पे 7, 25 का कितने परसेंट है 25 का 100 7 4 28, तो ये आपका आ गया 28% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये आपको कुछ और नहीं, आपने 60 बढ़ाया 20 घटाया, ओवरऑल क्या होगा 28 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो समझ में आ गया, आप छूट किस पे देते हो, मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, सब आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर फिर आगे बात करते हैं इसमें।
देखो भाई अब आगे देखो आप, तो भाई याद रहेगा मार्कअप क्या होता है, मार्कअप। और देखो मार्कअप को हिंदी में मार्कअप ही कहते हैं, ठीक है। अगर भी सोच रहे हो भैया क्या कहते हैं इसको मार्कअप को हिंदी में, तो इसको आप मार्कअप ही कहते हो, क्योंकि आपने जितनी भी लैंग्वेज देखी होंगी पेपर में आपने ही देखा होगा कि भाई जो आपका क्रय मूल्य था उसको 30% से अधिक अंकित कर दिया, 20% से अधिक अंकित कर दिया, जो अंकित कर रहा है उस जो बढ़ा के लिखता है वही आपका क्या होता है, वही आपका मार्कअप होता है, ठीक। अब देखो इसमें आप लिखो, लिखो जरा, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, यदि कोई बट्टा ना दिया जाए, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, यदि बट्टा ना दिया जाए, यदि बट्टा ना दिया जाए, यदि बट्टा ना दिया जाए। आपने देखा होगा कुछ आपकी दुकान होते हैं जहां पर लिखा होता है फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड प्राइस, कोई छूट नहीं है, तो वहां पे क्या है जब कोई बट्टा ना दे जाए। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी वस्तु पर आपका 800 रुपए लिखा है जो उसका मार्केट प्राइस है कितना है, 800 रुपए है, सुन लो भाई जी, अगर किसी वस्तु पर 800 रुपए लिखा है, मैं कह दूं जो आपकी शर्ट की कमीज थी उस पर 800 रुपए लिखा था, कितना लिखा था 800 रुपए, अगर आप उसको 800 रुपए का ही बेचते हो क्या भैया, अगर आप उसको 800 रुपए का ही बेचते हो क्या भैया, देखो आपको जो मैंने भी एग्जांपल बताया था उसका सीपी कितना था 500 रुपए था भाई, उसका एमपी कितना था, उसका एमपी आपका था 800 रुपए। आप मुझे एक बात बताओ आपने 500 के माल को कितना लिखा 800, तो आप प्रॉफिट कितना ले रहे थे, आप प्रॉफिट ले रहे थे, या आप कह दो जो आपका मार्कअप था, जो आपका मार्कअप था वो कितना था आपका 300 रुपए था, कितना था भाई 300 रुपए, आपकी एक शर्ट थी इसकी लागत कितनी थी 500, आपने लिखा कितना 800, अब आप कह रहे हो भाई कोई छूट नहीं है भाई, अगर 800 लिखा है तो ये 800 का बिकेगा, यानी इसका एसपी भी कितना रहेगा आपका 800 रुपए ही रहेगा, यानी कोई छूट नहीं है। तो एक बात बताओ जो माल 500 का था उस पर लिखा कितना 800, और 800 का ही बेचा क्योंकि कोई छूट थी नहीं, तो आप मुझे एक बात बताओ भाई जितना मार्कअप था वही तो आपका वो प्रॉफिट भी तो नहीं होगा। तो भैया जब आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो जो आपका मार्कअप होता है, जो आपका मार्कअप होता है वही आपका क्या होता है प्रॉफिट होता है, क्या होता है भैया प्रॉफिट, यानी जितना आपने बढ़ा के लिखा हुआ आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा, या आप इसको कह दो कि जो मार्कअप परसेंटेज होगा, मार्कअप परसेंटेज बराबर होता है परसेंटेज प्रॉफिट के। देखो भाई आप मुझे एक बताओ जो माल आपका 500 का था लिखा कितने का 800 का, तो कितना बढ़ा के लिखा था 300, किस पे 500 पे, तो 300 500 का कितने परसेंट है भैया, कितना आ गया आपका 60%, तो 60% का क्या है 60% का आपका मार्कअप है, अगर मार्कअप 60% है तो प्रॉफिट भी कितने का होगा 60% का होगा, आगे बात समझ, यानी जितना बढ़ा के लिखा आपने वो आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहे हो, तो भैया जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा जितना आप बढ़ा के लिखोगे वही आपका क्या होगा लाभ हो जाएगा, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। यहां पे क्या होगा जो आपका एमपी होगा वही आपका क्या होगा एसपी हो जाएगा, जो आपका मार्केट प्राइस होगा भैया आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, यानी जितना बढ़ा के लिखेगा वही आपका प्रॉफिट, या आप कह दो जितना परसेंटेज मार्कअप उतना क्या होगा परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं, इसको आप नोट करें जरा। देखो भाई आगे देखो आप अगला कॉन्सेप्ट क्या आपका इसमें, इसको सबसे इसे देखना ठीक है। देखो भाई जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका सही से देखना इसको आप सीपी कह दो आप, या आप कह दो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। आप मुझे एक बताओ अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो सीपी था वो 100 रुपए था, सही सुनना क्या था सीपी आपका 100 रुपए था, अगर इसका सीपी 100 रुपए था आपने इसमें 20% का लाभ लिया, कितने का लाभ लिया 20% का लाभ लिया, तो जो आपका एसपी बनेगा वो आपका 120% नहीं बनेगा, बताओ अगर यहां तक इसको दिक्कत है। अगर मैं आपसे कहता हूं जो आपका सीपी था वो 100 रुपए था, अगर आप पी परसेंट का लाभ लेते हो, कितने का लाभ लेते हो पी परसेंट का, अगर आप लाभ लेते हो तो जो आपका सीपी होगा वो 100+P% होगा, किसको दिक्कत तो नहीं आता, बताओ भाई अगर किसको दिक्कत हो तो, समझ में आ गया। तो अगर मैं सीपी में आपका प्रॉफिट प्लस कर दूं, क्या कर दूं प्रॉफिट प्लस कर दूं, तो आप कहां पहुंचते हो एसपी में पहुंचते हो, यानी सेलिंग प्राइस पर पहुंचते हो, किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, तो आप कह सकते हो जो सीपी होगा, जो सीपी होगा उसका 100+P% होगा, बताओ यहां तक किसको दिक्कत होगा। देखो कैसे, अगर आप कहते हो जो आपका सीपी था, अगर मैं आपसे कहता हूं आपका एसपी क्या आएगा, तो भैया मैंने बोला एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस का 100+P%, सीपी कितना है 100 रुपए था, 100 रुपए था भाई, और
ये क्या होगा 100+20 कितना होता है, यानी इसका 120%। तो देखो जब तो आपका सेलिंग प्राइस 120 निकल के आएगा, किसको दिक्कत तो नहीं है, यानी जो आपका सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है सीपी का 100+P% होता है, तक किसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ बेगर किसको दिक्कत हो। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर दो तो आप कहां पहुंचते हो, सेलिंग प्राइस। देखो आप सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकाल सकते हो, सुनना भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं आप एसपी बताओ तो एसपी आपने क्या बताया, एक तो आपने कहा भैया सीपी में अगर मैं प्रॉफिट प्लस कर दूं तो आप कहां पहुंच जाओगे, एसपी पर आराम से पहुंच जाओगे। दूसरी बात क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं एसपी पर पहुंचो तो एक बात तो बताओ, अगर मैं एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दूं तो अभी तो आप सेलिंग प्राइस पहुंचोगे। जैसे आपसे कहता हूं इस पेन की जो कॉस्ट थी वो 100 रुपए है, कितनी है 100 रुपए, मैंने इस पे 10% की छूट दे दी, बट्टा दे दिया, तो मैंने कितने बेचा 90 में, जो मैं 90 का बेच रहा हूं वो मेरा क्या है, वो मेरे सेलिंग प्राइस तो है, विक्रय मूल्य तो है। आप देखो ना अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था कि भाई जो सेलिंग प्राइस 500 रुपए था उस पर आपने कितना लिखा 800 रुपए लिखा, और कितने का बेच दिया 640 का बेच दिया। आप मुझे एक बताओ अगर मैं जो इसका एमपी है, अगर मैं एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दूं क्या होगा इसका डिस्काउंट, जब आप लिखोगे इसमें से 160 अगर माइनस कर दो तो कहां पहुंचोगे 640 पे, अगर मैं सीपी में प्रॉफिट प्लस कर दूं तो आप कहां पहुंचोगे सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर दो या आप एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो, दोनों से क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस ही आता है। तो इस बात को नोट करना भाई, जो सेलिंग प्राइस होता है उसको आप कैसे निकाल सकते हो, उसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस करके या एमपी में से डिस्काउंट माइनस करके, यानी छपे हुए मूल्य में से अगर मैं बट्टा माइनस कर दूं तो आप कहां होगे विक्रय मूल्य पर आ जाओगे। तो आप विक्रय मूल्य दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, या तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो या आप एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका यहां पे एसपी बराबर क्या आ गया, एसपी बराबर आपका यहां पे आ गया सीपी का 100+P%। अगर मैं आपसे कहता हूं ये आपका एमपी लिखा है, क्या लिखा है एमपी, अगर मैं इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं भाई डिस्काउंट, या आप कह दो डिस्काउंट परसेंटेज, तो आप कहां पे आओगे भाई एसपी पर आ जाओगे। तो आप मुझे एक बात बताओ भैया, एमपी का 100-D% एसपी के बराबर होगा नहीं होगा, देखो जैसे मैं कहता हूं अगर आपने 30% की छूट दी, क्या दी 30% की, अगर आपका एमपी 100% था, सुनना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एमपी जो था अगर वो 100% था, आपने 30 की छूट दे दी, क्या दे दी 30 की छूट, तो जो आपका सेलिंग प्राइस बचेगा वो एमपी का 70% तो बचेगा भाई। अगर मैं कह दूं 20% की छूट दे दी, कितनी छूट दे दी 20% की, तो एमपी का 80% तो आपका सेलिंग प्राइस होगा। अगर मैं कह दूं 25% की छूट दे दी तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो एमपी का 75% ही तो होगा। मैं कहना चाह रहा हूं आपसे बस, आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एसपी बराबर क्या है सीपी का 100+P% और एसपी बराबर क्या है एमपी का 100-D%, दोनों के दोनों क्या है बराबर होंगे, यहां तक किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि दोनों के दोनों क्या है बराबर है, इधर देखो भाई, अगर सीपी 100+P% बराबर आपका होगा एमपी 100-D%, तो परसेंटेज से परसेंटेज तो आपका कट ही जाएगा, सीपी के सामने क्या है 100-D, एमपी के सामने क्या है 100+D, तो जो आपका सीपी होगा वो क्या होगा 100-D, और जो आपका एमपी होगा वो क्या होगा 100+P। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये आपकी बन गई गोल्डन रेशो, इस पर लगा लो स्टार्ट, 2-3 क्या बन गई गोल्डन रेशो। अगर आपको डिस्काउंट पता हो और आपको क्या पता हो प्रॉफिट पता हो, 100 में से अगर डिस्काउंट माइनस कर दो कहां पहुंचोगे एसपी पे, 100 पे में प्रॉफिट जोड़ दो कहां पहुंचोगे एमपी में, तो यहां से आपका सीपी और एमपी का रेशो निकल के आ जाएगा आराम से। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं इसमें, आप इसको नोट करें। तो भाई देख लो, अगर आप सीपी में प्रॉफिट प्लस कर दो कहां पहुंचोगे एसपी में, आप एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो भी कहां पहुंचोगे एसपी में। तो आप एसपी आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप सीपी में प्रॉफिट प्लस कर दो या आप एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो। तो भैया एक बात होता है, जब ये दोनों के दोनों बराबर होंगे इस परसेंटेज को, अगर ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अगर दोनों के दोनों आपके क्या होंगे ये बराबर होंगे, तो ये मैंने बराबर रख दिया,
तो यहां से आपका क्या आ गया, यहां से आपका सीपी और एमपी का रेशो आ गया क्या, अगर 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो सीपी का अनुपात आ जाएगा, अगर 100 में प्रॉफिट प्लस कर दो तो आपका एमपी का अनुपात आ जाएगा। तो सीपी और एमपी का आप इजिली रेशो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसे क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, आज इतना रखते हैं।